रोहतास जिला के डाटा ऑपरेटर सेवा समायोजन को लेकर दो दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर चले गए हैं। ऑपरेटर संघ अध्यक्ष राजू कुमार ने बताया कि 25-30 वर्ष से सरकार के राजस्व कार्य देखने के बावजूद भी सेवा समायोजन नहीं होने से परिवार का पालन पोषण नहीं हो रहा है। सरकार के कार्य अपडेट करने का कार्य बुलेट्रॉन के माध्यम से कार्यरत डाटा ऑपरेटर कर रहे हैं। अब तक एकल मांग सेवा समायोजन को लेकर संवैधानिक तरीके से सांकेतिक धरना प्रदर्शन काला बिल्ला लगाकर किया गया, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं कर रहा। ऐसे में अंततः बिहार राज्य डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ बिहार पटना के आह्वान पर रोहतास जिला इकाई ने सासाराम कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना देते हुए दो दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर चले गए हैं। दो दिन का हड़ताल है हम लोग का। हम लोग सेवा समायोजन करना चाहते हैं और इसमें हमारे सारे विभाग के ऑपरेटर भाई है, लोग हैं, बहने भी हैं, सारे विभाग के और आईटी गर्ल बॉय सब सारे लोग हैं, सब विभाग के पूरे रोहतास जिला के भाई और बंधु। और हम लोग का यही मांग है कि सेवा समायोजन हो के जो लोग कर्मी है, क्योंकि बेल्ट्रॉन से बहुत सारा ऑपरेटर है, ये लोग पूरे बिहार भर में ही दो दिन का हड़ताल रखा है, तो अभी तो मेरा काम ठप ही है, पूरे सब जगह ही ठप किया है। और ये सांकेतिक हड़ताल के रूप में सूचना भी दिया है सब जगह, DM साहब से लेकर के विभाग में भी सूचना दिया हुआ है, तो अभी काम रुका हुआ है। DL जो लर्निंग बनता था वो नहीं हो पा रहा है। और को लेकर सरकार को जितना भी राजस्व आता है उस सब में हम लोग अहम भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन अभी तक इतने दिनों में सरकार द्वारा हमारे भविष्य को लेकर जॉब सिक्योरिटी की कोई व्यवस्था की नहीं गई है, जिसके चलते हम अपना तो है ही, अपने परिवार का जो है